नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक और मैं हूं श्वेता सिंह। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आपको दे देते हैं जो उत्तर प्रदेश से हमारे सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि जो जरूरी चीजें हैं जैसे दूध हो गया, इस तरह की सामग्री जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ये गाइडलाइंस में भी कहा गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि जो जरूरी सामान है, दूध और बाकी जरूरी सामान, वो लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को घर से न निकलना पड़े और भीड़ बढ़ने की कोई भी गुंजाइश न हो। तो अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि दूध और बाकी जरूरी जो सामान है, जो बहुत अति आवश्यक है, हर रोज जिनकी जरूरत पड़ती है लोगों को, वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी, लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएंगी। ये ऐसी चीजें, इस तरह की व्यवस्था की गई है। दूध सब्जी के लिए घर से बाहर न निकलें लोग, सभी आमजन उसमें सहयोगी बने। मैं उत्तर प्रदेश के सभी 23 करोड़ जनमानस को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि हम लोगों ने पहले से इस बात की तैयारी कर ली है कि सब्जी है, दूध है, आवश्यक वस्तुएं हैं, दवा है, इन सब का पर्याप्त भंडार हमारे पास प्रदेश में मौजूद है। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप कोई भी घर से बाहर न निकलें, अपने अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और सैनिटाइजिंग की पूरी व्यवस्था करें, साफ सफाई की व्यवस्था, क्लीनिंग की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन पर पूरी तरह ध्यान देते हुए जो भी आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, उस पर हम पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सावधानी के साथ हम लोग इस पर ध्यान दें, इस पर सहयोग करें। मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त कर रहा हूं, इस प्रत्येक 23 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके उत्तम स्वास्थ्य और उनकी सुविधा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग इसको हर प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं। हमने सिस्टम का तैयार कर लिया है कि कल से आपके घर घर तक सब्जी, दूध, फल और अन्य दवा की व्यवस्था या जो भी आवश्यक सामग्री होगी, इसके लिए लगभग 10,000 से अधिक वाहन हम लोगों ने अभी से चिन्हित कर लिए हैं, जिसमें 4500 पुलिस के पीआरबी हैं, लगभग 4200 के आसपास हमारे पास 108 और 102 की एम्बुलेंसेज हैं। इसके अलावा प्रशासन के वाहन हैं और खाद्य और रसद विभाग के भी साधनों का हम उपयोग करते हुए इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने जा रहे हैं। दूध है, सब्जी है, आवश्यक वस्तुओं को कल से हम लोग घर घर पहुंचाना प्रारंभ करेंगे। अपील कि सब्जी लेने के लिए आप सब्जी मंडी न जाएं, दूध खरीदने के लिए किसी दूध के बूथ पे आप न जाएं, आवश्यक सामग्री के लिए आप किसी दुकान में न जाएं। जब प्रशासन आपसे कहेगा तब आप वहां पर जाएं, अन्यथा अपने घर के बाहर न निकलें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए, प्रदेश और देश के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए गए हैं। और इसके लिए मैं अपील करूंगा कि आप सभी लोग इसमें अपना सहयोग करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपके हित के लिए क्षण प्रतिक्षण हर पल इसके लिए तत्पर होकर के, सबसे अधिक आबादी वाले इस प्रदेश में इस तरह का आश्वासन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये आश्वासन दे रहे थे कि जितनी गाड़ियां हैं अलग अलग व्यवस्थाओं से ली हुई, उन सब का इस्तेमाल किन चीजों के लिए किया जाएगा और दूध और बाकी जरूरी चीजें, सब्जी, रोजमर्रा की चीजें, ये सब लोगों तक पहुंचाई जाएंगी ताकि लोगों को रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए बाहर न निकलना पड़े। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन यह अगले 21 दिनों में भी नजर आएगा। लोगों का भी सहयोग चाहिए और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री ने 21 दिन की देशबंदी का ऐलान किया है। मतलब पूरे 3 हफ्ते तक न आप दफ्तर जाएंगे, न घर से बाहर निकल पाएंगे, न कोई रेलगाड़ी चलेगी, न विमान उड़ेंगे, न दुकानें खुलेंगी और न सामान्य सेवाएं मिलेंगी। हां, आपात सेवाएं और रोजमर्रा की जो चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है, वो सारी चीजें आपको जरूर मिलेंगी। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। पीएम मोदी का इतना कहना था कि पूरे देश की धड़कनें थम गई,
हालांकि इसके बारे में दबी जुबान में बातें हो रही थी, लेकिन मोदी आगे जो कहने वाले थे उसे सुनने के बाद सब स्तब्ध थे। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 33 राज्यों में तो लॉकडाउन था ही, 5 राज्यों में कर्फ्यू भी था, लेकिन ये लॉकडाउन नाकाफी साबित हो रहे थे। इसलिए एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसमें हर आदमी की हद तय कर दी गई है, उसके घर का दरवाजा। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है, जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि इस देशबंदी की अपनी आर्थिक कीमत होगी, लेकिन हम इस कीमत को चुकाने से भाग नहीं सकते। लोग सोच रहे थे कि ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन का होगा, लेकिन पीएम मोदी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा ये कम से कम 21 दिन का होने जा रहा है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे, अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। 3 हफ्ते की इस देशबंदी की भूमिका पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही बना दी थी, और जनता कर्फ्यू इसी की तैयारी थी। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी, तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूँ। और केवल 5 दिन में दूसरी बार जब प्रधानमंत्री देश के सामने आए तो 21 दिन की देशबंदी का ऐलान कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमने इस देशबंदी को नहीं माना तो भारत को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। कोरोना के खतरे की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने
बिना किसी भूमिका के कहा कि अगर आप वाकई अपनी, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, अपने परिवार की, अपने देश की फिक्र करते हैं तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि 21 दिन के लिए देश को ठप कर दिया जाए। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आगे चल करके पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देगी। अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और यह कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पीएम मोदी ने बार बार अलग अलग तरीके से ये बात कही कि 21 दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान को अपनी दुनिया अपने अपने घरों तक समेट लेनी होगी। बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। ये कहते हुए प्रधानमंत्री एक साथ उम्मीदों और आशंकाओं से घिरे हुए थे। जाहिर है यह भारतीय इतिहास की सबसे व्यापक देशबंदी है। आज के फैसले ने, देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। अब फैसला आपके हाथ में, आप क्या चुनते हैं? आज तक सब आपके लिए हित के लिए है, हमारे हित के लिए है, इस पूरे देश के हित के लिए है, मानवता के हित के लिए है, इस दुनिया के हित के लिए है और हिंदुस्तान को वो रास्ता दिखाना है कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हम लड़ सकते हैं ऐसी बीमारी से। लेकिन 12 बजे कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने मियाद दी कि 12 बजे के बाद पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया जाएगा, उसके बाद से बाजारों की क्या स्थिति है हमारे संवाददाता बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा जैसे ही लोग आप देख सकते हैं कि मदर डेयरी के बूथों पर, चाहे वो दूध का बूथ हो या फल और सब्जी का बूथ हो, भारी तादाद में लोग यहाँ पर फल और सब्जियां लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। देख सकते काफी भीड़ है। जो सफल की ये दुकान है मदर डेयरी की, यहाँ पर देख सकते कितनी भारी तादाद में लोग यहाँ पर फल और सब्जियां लेने के लिए है। उनको लगता है कि 21 दिन लॉकडाउन रहेगा तो हो सकता है फल और सब्जियां न मिले, जबकि ये कहा गया है कि जो जरूरी एसेंशियल गुड्स है, कमोडिटीज है, वो मिलेंगी। जो हर रोज रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे वो केमिस्ट हो, फल और सब्जी हो, दूध की दुकानें हो, आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो दूध का बूथ है यहाँ पर मदर डेयरी का, वहाँ भी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने घोषणा की, लोग घरों से बाहर निकल करके सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि दूध, फल और सब्जियां ले करके घरों में रखें ताकि कोई परेशानी ना हो। बार बार हालांकि ये कहा गया था कि एसेंशियल जो जरूरतें हैं, सामान है, वो हमेशा मिलेगा, वो दुकानें खुली रहेंगी, उसके बावजूद भी लोगों में पैनिक है। 21 दिन को देखते हुए हालांकि सब लोग वेलकम कर रहे हैं, जनता कर्फ्यू का भी लोगों ने स्वागत किया, जो लॉकडाउन चल रहा है उसका भी स्वागत किया। लोगों का यही कहना है कि 21 दिन का जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन की घोषणा की इसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि इकट्ठा कर लिया जाए कुछ सामान ताकि परेशानी ना हो। इसी पैनिक से बचने की गुजारिश की जा रही है, लेकिन लोगों को किसी भी तरीके से ये संतुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां चले गए हैं, जबकि आश्वासन बार बार दिया जा रहा है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीकांत शर्मा के पास, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री है। बहुत स्वागत है श्रीकांत जी आपका। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले ये कहा कि इतनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की, लेकिन पूरी व्यवस्था इस बात की गई है कि लोगों के, चलिए लगता है अभी उनका संपर्क नहीं
इस समय फोन लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक दूसरे इलाके का भी हाल दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद लोग किस तरीके से निकले। नरेंद्र मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद आप देख सकते हैं कि दूध की डायरी पे लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लोगों को लगता है कि कल से हो सकता दूध ना मिले, जबकि प्रधानमंत्री ने क्लैरिफाई किया है कि जो जरूरी चीजें हैं, चाहे दूध हो, केमिस्ट हो, फल और सब्जियां हो, ये तमाम दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। मैडम ये बताइए, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दूध की, क्या वजह है? इसमें दूध आप लेके जा रही हैं कई दिनों का, वजह क्या है मैडम? प्रधानमंत्री ने क्लैरिफाई कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं कि काफी दूध लेके जा रहे लोग। आपको क्या लगता है, क्या वजह क्या है? ये महंगा कल को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए लोग आज लगे तो पर्चेसिंग कर लेकिन बस में नहीं है, लोग समझदार होते तो ठीक लग जाते। लोगों को दहन नहीं है, लोगों को दहन नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है कि अब क्या हो जाएगा। पर पहले अब क्या घोषणा होगा? ये घोषणा लोगों के इसके लिए है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं, बड़ी पहले भी हुई थी वो लोगों के हित नहीं है। देख सकते हैं लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, लोग पैनिक में। उनका कहना है कि बेशक प्रधानमंत्री ने क्लैरिफाई किया, लेकिन कब क्या होगा ये पता नहीं है। इसी को देखते हुए ये लोग कई कई दिनों का दूध इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। और आपने देखा कि किस तरीके से लोग सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि न जाने कितने दिनों की व्यवस्था करके ले जा रहे हैं। लोगों को यह समझना होगा कि एक दूसरे का साथ देकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। पैनिक बिल्कुल ना करें, ये इतने बड़े देश में एक बहुत बड़ी तालाबंदी जरूर है, लेकिन एक साथ मिलकर ही इससे पार पा सकते हैं हम सब। हमारे साथ इस समय श्रीकांत शर्मा जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ ने, श्रीकांत जी, कुछ ही देर पहले यह आश्वासन दिया है कि जो पूरी आबादी है उन सब तक पहुंचाया जाएगा उन जरूरी चीजों को जिसकी आवश्यकता उन्हें है। क्या ये आपको पूरा भरोसा है कि मुमकिन हो पाएगा? आप खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से लोग पैनिक क्रिएट ना करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने उद्बोधन में बहुत अच्छे तरीके से सब चीज को स्पष्ट किया है, और गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, और सभी राज्य सरकारें इनका अनुपालन बहुत अच्छे से हो ये सुनिश्चित कर रही हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आम जन को नहीं आने दी जाएगी। जो उसके लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, दवा की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, ये सब दुकानें खुली रहेंगी। लोग अनावश्यक रूप से ज़्यादा खरीददारी ना करें, और सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि ये जो लॉकडाउन है इसकी आड़ में कोई अगर कालाबाजारी करेगा और अगर जो मूल्य तय है सब्जियों के, दाल के, सब्जी के, घी के, अगर वहाँ पर भी अगर कोई अगर अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो 24 घंटे की निगरानी हम लोगों की रहेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। मीडिया कर्मियों को इसमें जो पूरी छूट दी गई है, जो आवश्यक इमरजेंसी सेवाएं हैं उसमें काम करने वाले जो हमारे कार्मिक हैं उनको भी इसमें छूट दी गई है। तो पुलिस बैरिकेडिंग कर रही है, और जो इमरजेंसी सेवाओं में जो लोग हैं उनको अनावश्यक रूप से तंग ना किया जाए, उनके आई कार्ड चेक करके उनको जो उनका गंतव्य है जहां तक उनको पहुंचना है वहां तक वो पहुंचें, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपेक्षा हमारे प्रदेश से की है और हम आश्वस्त करते हैं, हम निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम उसमें सफल रहेंगे। लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश है और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को अपील कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक गार्जियन की तरह ये अपील की है, आप इसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और प्रयास करें कि आप घर से ना निकलें, घर पर ही रहें। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के लिए हम सब लोगों का रहेगा कि हम इस संकट की घड़ी में एकजुट रहें और जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका हम लोग अनुपालन करें। श्रीकांत जी, एक उन लोगों को लेकर भी चिंता रहती है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, यानी दिहाड़ी पर काम करते हैं, तो उनके लिए
क्या हो सकता है, क्योंकि 21 दिन एक बहुत लंबा समय है। अभी तक तो 31 तारीख तक की बात हो रही थी, लेकिन 21 दिनों की बात अगर हम करें ऐसे लोगों के लिए, तो क्या कोई व्यवस्था है? निश्चित रूप से सामाजिक संगठनों ने बहुत बड़े स्तर पर हाथ बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है, उस पर बड़ी तादाद में सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। और जहां तक हमारी सरकार है, हमने जो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं उनके खातों में भी आज 1,000 रुपये की किस्त हमने उनके खातों में ट्रांसफर भी की है हर तरीके से। और सब मीडिया का भी हम लोग सहयोग लेंगे, कहीं कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से तुरंत उस पर हम लोग काम करेंगे। ये बहुत बड़ा संकट है और इस संकट की घड़ी में हम एक दूसरे को सहयोग करते ही आगे बढ़ें। जो लोग जरूरी सामान को, हम ये भी देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि घर पर लेकर चले जाएं, तो ऐसे में एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जब एक एक चीज की का बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाता है। सारे लोगों को समझना है कि एक दूसरे से कोऑपरेट करना है, लेकिन वो लोग जो चाहेंगे कि नहीं हम होर्डिंग कर लें किसी तरीके से, क्या उनके लिए कुछ निर्देश, कोई आदेश? हम केवल आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारा उत्तर प्रदेश का प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि आपको जितनी आवश्यकता है दिन की, वो आवश्यकता आपकी पूरी हो। लेकिन हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप अनावश्यक रूप से किसी भी सामान को जमा ना करें, क्योंकि आपका सहयोगी आज इस घड़ी में हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो आवश्यकता है वो आपके घर तक हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। दुकानें खुली रहेंगी, सब्जी की कोई कमी हम आने नहीं देंगे। लोग आपके इस आश्वासन को सुने, सरकार भी अपना कर्तव्य निभाए और लोग भी अपना कर्तव्य निभाएं, क्योंकि दोनों तरफ जो साझेदारी है उसके जरिए ही इसमें कामयाब हो सकता है पूरा देश। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। श्रीकांत शर्मा हमसे बातचीत कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, और यूपी सरकार की तरफ से जो आश्वासन है उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि सबके घरों तक जरूरी सामान पहुंचेंगे। लेकिन अब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, ये 21 दिनों का समय एक ऐसा समय है जिसमें आपका मंत्रालय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग घर में अगर बैठे हैं तो मोबाइलों को लेकर ही और इंटरनेट के जरिए या तो कोई काम कर रहा है या फिर अपने समय को व्यतीत कर रहा है। पर अर्थव्यवस्था को लेकर जो एक बहुत बड़ी चिंता सबके मन में आ जाती है कि जरूरी सेवाएं तो खुली हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बंद रहेगी, कैसे दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ सरकार इस समय सोच रही है, क्या लोग आश्वस्त रहें कि आर्थिक तौर पर भी हम सुरक्षित रहेंगे? श्वेता जी, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार है ना, सबसे पहले देश के लोगों की जान बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री ने एक सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में अपील नहीं किया, हर भारतीयों के परिवार के सदस्य के रूप में उनको समझाया है कि कौन सा खतरा हमारी तरफ देख रहा है। और श्वेता जी, आप एक बात और ध्यान रखिए कि दुनिया में अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, कभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई कि रेलें बंद हो जाएं, जहाज बंद हो जाए और देश के देश लॉकडाउन हो जाए। तो इस महामारी की विभीषिका को समझना जरूरी है। जब आप इसकी विभीषिका समझेंगी, जो आप जरूर समझती हैं और आज तक यही कर रहा है देश के लोगों को, तब इसके लिए क्या करना है और प्रधानमंत्री ने मजबूरी में क्यों कहा, यह समझना जरूरी है। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री को मालूम था कि जिस तरह से आप देखिए अमेरिका पर और सारे धनाढ्य देश, वेल्दी कंट्रीज की क्या हालत है। थोड़ा मुझे आप एक मिनट वक्त दीजिए, ये अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसमें न्यूयॉर्क जो है वो वहां का इंटेलेक्चुअली सबसे बड़ा पावरफुल स्टेट है, वहां UN है, वहां सब कुछ है, आप जानती हैं, पूरा स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क तय करता है। और कैलिफोर्निया वो दुनिया का टेक्नोलॉजिकल सबसे बड़ा क्षेत्र है, दोनों सबसे बुरी तरह से प्रभावित हैं। और अभी आपके आने के पहले मैं वहां के गवर्नर की पीड़ा सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जो हमारे प्रदेश की स्थिति न्यूयॉर्क की है, यही बाकी की आने वाली है, सब मिलकर काम करें। WHO ने टिप्पणी की है कि अमेरिका इज द नेक्स्ट बैटल ग्राउंड आफ्टर चाइना।
तो जब ये स्थिति है तो इसमें हमें कि हमें राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी कि नहीं होगी, ये चिंताएं हैं, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी विभीषिका क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं आपके चैनल पर भी देख रहा हूं लोग अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं, उनका ये अधिकार है, लेकिन इस चिंता के प्रकटीकरण के पीछे इस बड़ी विभीषिका की पीड़ा को नहीं समझने का भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है उनकी सोच है। तो प्लीज समझें, शायद दुनिया के इतिहास में ऐसी विभीषिका नहीं आई है। जो दुनिया में 150 से अधिक देश प्रभावित है और जिसका एकमात्र रास्ता है मौत का, दुनिया के बहुत देश में नाम नहीं लूंगा श्वेता जी, जहां पर वो 60 साल के ऊपर के लोगों की चिंता भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खतरे रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, तो जवान लोगों की चिंता करें। वाकई वहां पर चॉइस की बात आ गई है और उन्हें चुनना पड़ रहा है कि वेंटिलेटर पर किसको रखें किसको नहीं रखें, ये सारी चीजें हो रही हैं। और वाकई ऐसे समय में हम कहते हैं कि जो भारत के संस्कार और ऐसे जो वायरस रेबल्स खुद को कह रहे हैं, जो बूढ़े लोगों को कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो कह रहे हैं भारत के जो संस्कार हैं और जो भारत के मूल्य हैं वो यहां पर बहुत निर्णायक होंगे। अगर रविशंकर जी, ये कहा जाता है WHO द्वारा कि भारत ने जिस तरीके से पोलियो से लड़ाई लड़ी और जैसे लड़ी लड़ाई स्मॉल पॉक्स से, उस तरीके की लड़ाई भारत लड़कर यहां पर विश्व को रास्ता दिखा सकता है, ये सारी चीजें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन चूंकि हम अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों से बात करते हुए आप तक पहुंचे हैं और आप एक केंद्र के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में एक आते हैं, इसीलिए आपसे ये आश्वासन भी हम लेना चाहते थे कि 20-21 दिन हो सकता है उसके आगे भी हम लोगों को इस तरह के कदम उठाने पड़े, लेकिन साथ साथ लोग जो हैं, जो अभी घर पर ही हैं और बहुत तरह की चिंताएं सबके मन में आ रही होंगी, उन लोगों को सरकार की तरफ से ये आश्वासन भी आपके जरिए हम देना चाह रहे थे कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है या नहीं, सबका ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने चूंकि अब मैं देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में आपसे बात करूं, पहले हमने मेरे विभाग ने भारत के सारे चीफ सेक्रेटरीज को कह दिया है कि टेलीकॉम सर्विसेज को, मोबाइल सर्विसेज को आवश्यक सेवा माना जाए ताकि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, भले 21 दिन घर में रहें जुड़े रहें, इसलिए उस सेवा को मेंटेन करने के लिए जो भी आवश्यक कर्मचारी की आवश्यकता हो, अगर उनको मूव करना हो डीजल के लिए, टावर को ठीक करने के लिए, तो उसको रोका नहीं जाए। ये काम मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपके कहने के पहले ही। दूसरा हमने क्या किया है, नॉर्म्स को रिलैक्स करके, आपने देखा होगा कि आप BPO के लिए अपने दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से ही काम कर सकते हैं क्योंकि, और ये बात मैं आपसे थोड़ी चाहता हूँ विस्तार से बता दूं कि भारत बैकहेंड ऑफिसेज का एक बहुत बड़ा केंद्र है अमेरिका की कंपनी के लिए, यूरोप की कंपनी के लिए। तो इसलिए मैंने स्वयं ये पहल की, नैसकॉम से बात हुई कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं, आपको पूरा बैंडविड्थ भी मिलेगा और आपको कोई परेशानी उसमें नहीं होगी, तो वो काम भी चल रहा है। फिर वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे कुछ कर्मचारियों को दफ्तर में जाना जरूरी है, तो हमने उसकी भी व्यवस्था कराई। अब एक बात मैं आपके चैनल पर बता सकता हूं कि अब लोग घर में हैं तो बिल्कुल दबा करके फिल्में देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, बाकी भी देख रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा इंटरनेट पर असर भी पड़ रहा है। तो हमने अपने विभाग को निर्देश दिया है कि ये सारे जो इंटरनेट सप्लायर्स हैं, जो फिल्म सप्लायर्स हैं देते हैं, इनसे बात करके हम लोग हाई डेफिनेशन को थोड़ा सा उनको परसुएड करके बदल सकते हैं ताकि डेटा कंजम्पशन कम हो, क्योंकि आपको मालूम है कि 40% इंटरनेट का कंजम्पशन डेटा पर होता है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट कर दिया है, वो उनसे टच में है, वो भी कल तक वो विषय निराकरण हो जाएगा। और हमने एक बात और कही है जो मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूं कि हम लोग गृह विभाग के NDMS से बात करके ये फैसला कर चुके हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो दिल्ली से जयपुर गया और बाद में वो पीड़ित हो गया या पीड़ित होने की आशंका है, तो दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से लखनऊ जाने में उसका मोबाइल फोन किस किस टावर से गुजरा और किस किस व्यक्तियों से उसने बात किया नंबर से, बिना व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त किए, तो ये मालूम हो सकता है ताकि दूसरे को हम आगाह कर सकें कि तुम भी चौकन्ने हो जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ। तो ये मैंने 4-5 फैसले कर करके ऑलरेडी उसको एग्जीक्यूट कर दिया है हमारे IT और इलेक्ट्रॉनिक्स में। जहां तक लॉ एंड जस्टिस का सवाल है, हमारे सेक्रेटरी जस्टिस ने
सारे रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है जो डीओपीटी के सर्कुलर हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उसका पालन करें सारे हाईकोर्ट। हमने उनसे आग्रह किया है, निर्णय वहाँ के चीफ जस्टिस को करना है, तो वो कार्रवाई भी चल रही है। देखिए, भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है, घबराए नहीं, अफवाह पर विश्वास नहीं करें, और प्रदेश सरकारें प्रोविजन करेंगी। बाकी मैं पटना का सांसद हूँ, अभी लॉकडाउन है, लेकिन रोज मैं पटना में फॉगिंग हो, अभी बिहार से आती हैं, मैंने एम्स पटना में, पीएमसीएच पटना में और आईजीएमएस पटना में या आपके स्वैप टेस्टिंग की व्यवस्था हो, इसके लिए मैं हर्षवर्धन जी से बात किया। आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करनी है, सारे महत्वपूर्ण अस्पताल वहां के पड़ते हैं। और साथ में रविशंकर जी, आप तो बड़ा अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से मिलते जुलते भी रहते हैं, तो इस लॉकडाउन में आप कैसे करेंगे ये काम? जी जी, नहीं तो मैं बता रहा हूं, यहीं पर फोन है ना लोगों से। आजकल मैं रोज पटना के डीएम से 3-4 बार बात करता हूं, पटना के नगर निगम के कमिश्नर से मैं 3-4 बार बात करता हूं, और मेरे पास रोज शाम में रिपोर्ट आ जा रही है कि पटना में कहां कहां फॉगिंग हुई, कहां कहां सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और चाहे वो कंकड़बाग का इलाका हो, या बोरिंग रोड का इलाका हो, या कृष्णापुरी का इलाका हो, या पटना सिटी का हो, ये सबकी फॉगिंग भी चल रही है, रोज मैं रिपोर्ट लेता हूं। लेकिन अभी अच्छा एक बात और बता दूं कि एक भारत के श्रम विभाग का एक अस्पताल है, इंप्लॉयड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, जो कि पटना के बेटा में नया खुला है, 500 बेड का है। हमने संतोष गंगवारी से बात किया, उसको पूरा रिलीज करें, बिहार सरकार का भी आग्रह था कि ताकि वहां आइसोलेशन वार्ड बन जाए, तो उन्होंने तुरंत उसकी अनुमति दे दी, नोटिफिकेशन हो गया। रविशंकर जी, एक और चिंता लोगों के मन में होती है, पीएमसीएच में है, जो ये सब बातें हो रही है, जो शहरी इलाके हैं उनका जिक्र बड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जो गांव के जो इलाके हैं और खासकर जो सुदूर इलाके, तो वहां तक क्या जो ये हम एसेंशियल गुड्स की बात कर रहे हैं, एक ये, दूसरा जांच की चीजें, और तीसरा इलाज, ये सारी चीजें वहां तक किस तरीके से, या क्या पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर रहेंगे इस पे, या फिर केंद्र ये इंश्योर कर रहा है कि गांव देहात सुदूर इलाके सारी जगहों तक हम बिल्कुल सतर्क रहें? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हुई हैं। हमारे भारत सरकार का हेल्पलाइन है, रोज पीएमओ मॉनिटर करता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, और जहां भी कोई समस्या आती है, अच्छा क्या आपने सवाल किया, उसको तुरंत एड्रेस करते हैं। तो प्रदेश सरकार भी बहुत सक्रिय है, हर प्रदेश सरकार। और देखिए, आज भारत का लोकतंत्र जीवंत हो गया है, जहां न कोई पार्टी का विरोध है, न राजनीति के का भी विरोध है, पूरा देश एक है, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। एक बात मैं, और जहां भी कोई आवश्यकता होगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत सरकार श्वेता जी प्रोएक्टिव होकर के मदद करेगी और कर रही है। एक चीज मैं बताऊं, जो आपने बात बताई, क्योंकि तो कल वो पटना में और कलकत्ता में लोग बस पे बहुत बैठे हुए थे, तो उसको लेकर बहुत टिप्पणी हुई, आपके चैनल पर भी हुई, चिंता मुझे भी हुई थी, तो मैंने उसको मालूम करने की कोशिश की, तो जो सच्चाई सामने में आई कि बिहार के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, झारखंड के बहुत मजदूर मुंबई में, पुणे में, मद्रास, चेन्नई में, केरल में काम करते हैं, तो ये सब अपने घर पहुंचे क्योंकि वहां लॉकडाउन हो गया है। तो पटना में जहां पहुंचे, कम से कम पटना में मैंने कलेक्टर से स्वयं बात की, तो सबों का टेस्ट हुआ, और 20-25 लोग जो थोड़े डाउटफुल हुए उनको रोका गया है। अब ठीक है, हर को अपने घर जाने की जल्दी है, तो वो एक स्थिति आई। तो देखिए, सावधानी सबको बरतनी पड़ेगी, मैं यही बात बार बार कहता हूं। वो जो कहावत है ना श्वेता जी, कि भूल हुई दुर्घटना घटी, तो यही ये मामला है कि ये हम लोग सबको मिलकर चलना है। और आज प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से देश के लोगों से, कठिनाई होगी लेकिन ये कठिनाई देश के लिए झेलिए। तो एक बार आपके मन में ये संकल्प आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, दूध आ जाएगा, सब्जी भी आ जाएगी, गाने सुनिए अपना आराम से, पढ़िए, और आज तक पर श्वेता जी को देखिए, आपकी टिप्पणियां सुनिए, उससे बहुत जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है कि एक इस तरह से चलना पड़ेगा। रविशंकर जी, बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है, और जाहिर है सरकार के भी मन में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र भी किया कि अगर आपके घर में लोग काम करने आते हैं और काम नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनकी तनख्वाह न काटें, और इसी तरीके से जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी ध्यान दें कि उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह रहे, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों का क्या? ऐसे में
कुछ सरकार की तरफ से कोई सोच है, क्योंकि लोग अपने बूते तो जो कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, लेकिन ये चिंता सबके मन में रहती है सामाजिक तौर पर। देखिए, आपने बहुत सही कहा, इसके लिए भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा और विशेष रूप से प्रदेश सरकार को भी सोचना पड़ेगा। ये दिहाड़ी मजदूर तो कई जगह कंपनियों में भी काम करते हैं या कंपनियों के कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पर काम करते हैं, तो जहां जहां जिसके बिहाफ पर वो काम करते हैं वो चिंता करनी पड़ेगी। और ऐसे जो दिहाड़ी मजदूर हैं, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, तो उनके लिए तो व्यवस्था है, वो अपना काम कर पाएंगे, लेकिन जो ठेला लेकर के गोलगप्पे खिलाया करते थे, सड़कों पर चाय पिलाया करते थे, उसकी कठिनाई हम समझते हैं। मुझे लगता है कि हर प्रदेश सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे पटना के जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार ने एक फैसला किया है कि ऐसे सबों को हम फ्री राशन देंगे जो इस प्रकार के लोग हैं, तो अच्छी बात है, उस तरह तो कम से कम भोजन करते रहेंगे। मुझे लगता है कि हर प्रदेश सरकार इसके बारे में कुछ ना कुछ सोच रही है और सोचना चाहिए भी, और इस बारे में जो भी भारत सरकार को करना होगा मैं अवश्य हम लोग करेंगे, ये आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं। किसी भी दिहाड़ी मजदूर को न भूखे मरने दिया जाएगा न अस्वस्थ होने दिया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। अपने जीवन काल में और जितना लोगों ने पढ़ा भी है, ऐसा समय बहुत मतलब याद ही नहीं आता, स्मरण ही नहीं है कि इस तरीके से पूरी दुनिया को बंद होना पड़े। 21 दिन का जो दायरा है वो बहुत छोटा भी नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि भारत सफल होगा, इसमें आपको विश्वास है? देखिए श्वेता जी, मैं फिर कहूंगा, आप एक पत्रकार के रूप में थोड़ा शोध भी करती हैं, मैं जानता हूं आपको। मेरे मन में एक विषय आ रहा है, क्या एक तो जब हम लोग आज से 15-20 साल बाद हम लोग ये कहेंगे कि जब कोरोना हुआ था तो हम थे उस समय, क्योंकि आने वाली नस्ल विश्वास नहीं करेगी ऐसा हुआ है। लेकिन आज देखिए, दुनिया में जितने भी विचारधारा थी, साम्यवाद तो चीन का क्या हुआ, पूंजीवाद तो क्या हो रहा है, आप देख लीजिए हमारे अमेरिका में, तो स्पेन में क्या हो रहा है कि इतनी उच्च व्यवस्था, क्या हो रहा है इंग्लैंड में देखिए आप, वैज्ञानिक शोध, टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल, तो उसके आगे लोग नतमस्तक हैं। तो क्या कहीं ना कहीं हम कोई, मैं राजनीतिक नहीं करना पाता हूं, कि कहीं ना कहीं क्या दुनिया कुछ उस सोच की तरफ बढ़ रही है जिसके बारे में गांधी ने कभी कहा था या कबीर दास ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो क्या दुनिया, ये जो पर्यावरण, ये विलासिता, ये भोग, ये मेरे मन में कुछ चल रहा है। हाँ, इतना मैं ये नहीं कहता हूं कि हर विचारधारा जो अपना देश स्वतंत्र है काम करने के लिए, लेकिन इतना मुझे लगता है कि इस, आज मैं पहली बार इसको पब्लिकली शेयर कर रहा हूं आपके साथ, मुझे लगता है कि जब ये कोरोना समाप्त होगा तो दुनिया की सोच में, सामाजिक दृष्टिकोण में और पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन का एक सूत्र अवश्य रहेगा, हमें समावेशी विकास चाहिए। वी वॉन्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वी डोंट वॉन्ट एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट। ये जो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव के बीच की दूरी दुनिया में बहुत जगह बढ़ गई थी, शायद कोरोना उसका रास्ता निकालेगा। धार्मिक तौर पर चूंकि न मंदिर खुले रहेंगे, न मस्जिद, न गुरुद्वारे, कहीं भी कोई पूजा स्थल नहीं जहां पर लोग एकत्रित हो सकें, लेकिन त्योहारों का मौसम भी है, अब नवरात्र की शुरुआत, रामनवमी, और उसके भी आगे अगर हम बढ़ें क्योंकि लड़ाई लंबी है, रमजान का महीना शुरू हो जाएगा, ये लोगों को बहुत अनुशासन की आवश्यकता होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से एक अपील है, उसके ऊपर निर्देश है, आदेश आ गया है, पुलिस सख्ती अपनी बरतेगी, लेकिन ऐसे आयोजनों के लिए लोगों को स्वयं खुद को अनुशासित रखना होगा। आपने बहुत सही कहा, अब रामनवमी में लाखों लोग आते हैं, तो आज मैं, अब मैं आपकी अनुमति हो तो एक बात कहूं जी, श्वेता जी, तो आज मैं देश के लोगों से रविशंकर प्रसाद केंद्र का मंत्री नहीं, प्रभु राम लल्ला का वकील जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, वो अपील कर रहा है कि इस रामनवमी को प्रभु राम को अपने हृदय में रखिए और उसकी पूजा घर में करिए और राम जी खुश होंगे। हमारे तो चिंतन में है कि ईश्वर तुम्हारे हृदय में है, जहां सोचो वो हृदय है।
तो ये जिम्मेवारी रखना बहुत जरूरी है। और मैं सही में विनम्रता से प्रार्थना करूंगा देशवासियों से कि कृपया करके इस बार, चाहे वो रामनवमी हो या बाकी कोई अनुष्ठान हो, इस बार देश हित की चिंता करें। और देश के हित की चिंता तभी होगी जब लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी हमसे जो बातें शेयर कर रहे थे, जो बातें देश से अपील की गई है एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उन्हें अभी देखना होगा रात 12 बजे से उस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी और उस तालाबंदी पर सबसे बड़ी कवरेज आप आज तक पर ही देख रहे हैं। लगातार हम पहले उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से हमने बातचीत की, हमने रविशंकर प्रसाद जी से बातचीत की और अब राजस्थान का रुख क्या है वो जानने के लिए हम बातचीत करते हैं सचिन पायलट जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, जहां पर लॉकडाउन का ऐलान तो किया गया है लेकिन असर कितना है, कामयाब कहा जा सकता है इसे? प्रदेश की सरकार ने जब लॉकडाउन किया था तो हम चाहते थे कि लोगों का मूवमेंट बहुत कम हो या ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग को लोग उसके यूज टू हो जाएं, इस दृष्टि को सामने रखकर हमने किया था। और अब लगभग काफ़ी स्टेट्स ने इसी प्रकार की लॉकडाउन की स्थिति पैदा अपने यहाँ करवा ली है। मुझे लगता है कि इसका अच्छा इफेक्ट हुआ लेकिन शायद पर्याप्त नहीं है। पिछले दो दिनों में देखा गया कि खासकर शहरों में लोग यातायात के लिए बाहर गाड़ियों में जा रहे थे और इतनी गंभीरता से जो लेना चाहिए था असर तो हुआ, लोगों ने इसका पालन भी किया, लेकिन इसको और कठोरता से हम लोगों को लागू करना पड़ेगा क्योंकि जो महामारी आज फैल रही है अगर इसको फैलने दिया गया तो हमारा जो हेल्थ का सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको संभाल नहीं पाएगा। और इतनी ज़्यादा आबादी का हमारा देश के अंदर है, अगर हम इसको प्रिवेंशन नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकती है। और राजस्थान में भी बहुत से लोग बाहर काम करते हैं, बहुत से लोग बाहर से काम करने आते हैं, अचानक से जो भगदड़ मची है उससे सरकार कैसे निपट रही है? नहीं, हम लोगों ने एडवाइस यही किया है कि जो जहां है वो वहीं पर रहे और बहुत ही अति आवश्यक हो तभी वापस जाने की वो कोशिश करें, क्योंकि अगर सब अपने अपने शहरों में या गाँव में जाएंगे तो जो स्टेट्स पे हमने बॉर्डर सील किए हैं वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो जो जहाँ है वहीं उसकी देखरेख करने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन और सरकारें वहाँ काम कर रही हैं और जो लोग राजस्थान के अंदर आए थे काम करने के लिए या यहाँ रोज़गार करते हैं वो भी बाहर ना जाएं, जो जहाँ है कुछ समय के लिए वहीं रहे, इस प्रकार की एडवाइजरी सब जगह जारी की गई है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बातचीत करते हुए ये बताते हुए कि लोगों को तभी जाना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो और ऐसे ही लोगों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन एक तरफ है सरकार की तरफ से अपील, दूसरी तरफ है वो आश्वासन जो सरकार दे रही है कि कल से आपको सब कुछ मिलेगा और उसके सामने है लोगों का वो पैनिक, लोग घबरा कर ऐसे खरीदारी कर रहे हैं जैसे 21 दिन उन्हें कुछ मिलने नहीं वाला। जरा देखिए संजय शर्मा की यह रिपोर्ट। कोरोना का प्रकोप होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक हफ्ते में अपने दूसरे संबोधन में जैसे ही 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया उसके बाद से बाजारों में ऐसी भीड़ उमड़ी है, किसी को ये सुध नहीं है कि उसे मास्क भी लगाना है और साथ ही अपने बचाव के इंतजाम भी करने हैं। देखिए लोग सब्जियों के ठेलों पर किस तरह से लपके पड़ रहे हैं, साथ ही इस गली में आगे एक लोकल आटा चक्की है उसमें भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, लोग चाह रहे हैं अपने सिर पर सामान सब्जी ये सारी चीज़ें लेकर भागे जा रहे हैं कि पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं। मैं थोड़ा नज़दीक जाता हूँ और देखता हूँ, ये चिल्लपुआ आपको सुनाई पड़ रही है, पीछे ठेले लगे हैं सब्जियों के और लोग लगातार ये कह रहे हैं पहले मुझे दो पहले मुझे दो। पूरे सड़क पर ऐसा नहीं लग रहा ये कंप्लीट लॉकडाउन की तरह तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, लोगों में पैनिक दिखाई पड़ रहा है। सारे लोग मेरे से फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं कि क्या राशन की दुकानें खुली रहेंगी, राशन के दुकानदार पूछ रहे हैं कि क्या हम खुले रहेंगे या फिर हम ऐसे। लेकिन ये साफ है कि जैसे पहले लॉकडाउन के दौरान राशन की दुकानें, दवाई की दुकानें, एसेंशियल कमोडिटीज यानी जीवन के लिए आवश्यक जरूरी बुनियादी सुविधाओं की दुकानें खुली रहेंगी, वैसे ही आगे भी ये चीज़ें चलती रहेंगी। बस धैर्य रखें, संकल्प के साथ घर में रहें, जो आपके लिए मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को बचाना है तो आपको अपने घर में रहना पड़ेगा। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये आश्वासन और सबकी अपील को छोड़कर अगर इस तरीके से निकला जाएगा जैसे कि जिंदगी का अंत हो रहा है और आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो इससे किसी का फायदा नहीं। हाँ, आपका, आपके परिवार का नुकसान जरूर है। संजय शर्मा की ये रिपोर्ट आपने देखी, आज तक पे भी हम आपको जानकारी पहुंचाएंगे, एक एक जानकारी पहुंचाएंगे। और आपने देखा किस तरह संजय खुद अपने एक कैमरे के जरिए आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एक व्यक्ति एक इलाके में जाके वहां से रिपोर्ट लेकर आ रहा है, घबराइए नहीं, पैनिक बाइंग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सारी चीजें आपको उपलब्ध होने वाली हैं। अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं उनसे भी हम आपको बातचीत करके बता रहे हैं, सिर्फ यही तरीका है इस बीमारी से लड़ने का और जीत हासिल करने का, कि हम सब एक साथ रहें, सहयोग करें, और सरकार की तरफ से अगर कहा गया है लॉकडाउन तो उस लॉकडाउन का सम्मान करें। 21 दिनों के लिए भारत को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया उसमें ये चीजें स्पष्ट की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि आप बाहर न जाएं, सारी जरूरत की चीजें आपके लिए रहेंगी मुहैया। लेकिन दिल्ली के बाजारों का ये हाल देखिए, 12 बजे से पूरी तरीके से लॉकडाउन होना है, उससे पहले लोग सोच रहे हैं कि 21 के 21 दिन के लिए किसी तरीके से सामान खरीद लें। ये पूरे जो भीड़ भाड़ है ये आपके लिए घातक साबित हो सकती है। घर बैठो जिंदा रहो, आज तक जिम्मेदारी के साथ आपको सारी खबरें दे रहा है, और जो जानकारी है हमारे पास उसके अनुसार किसी भी तरह की किल्लत नहीं है, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से जो आप भीड़ लगा रहे हैं, मास्क के ऊपर लोग उंगली रखे हुए हैं, हाथ रखे हुए हैं, हाथों से नाक आंख को छूने से ही ये बीमारी फैल रही है। इस तरह से लोगों के बीच भीड़ में रहने से संक्रमण फैल रहा है, और लोग वही गलती बार बार कर रहे हैं। शायद ये अति आत्मविश्वास लोगों के भीतर कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आश्वासन अगर है, अगर लॉकडाउन है देश में तो उसका पालन कर लीजिए। इस तरीके से जो दुकानें हैं उनके आसपास भीड़ लगाकर किसका भला हो रहा है, ये लोगों को खुद सोचना है। अब जब कल आप देखेंगे कि सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, तब आपको क्या एहसास होगा कि क्यों गए उस भीड़ में। लेकिन अगर हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब आपको कह रहे हैं सारी चीजें रहेंगी, दूध मिलेगा, सब्जी मिलेगी, जरूरत की सारी चीजें मिलेंगी, कोशिश ये भी है कि आपके घर के द्वार तक आपको ये चीजें मिल जाएं, फिर भी लोगों में ऐसी हड़बड़ी जो दिख रही है दिल्ली के कोने कोने में और देश के अलग इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये वाकई हैरान करने वाली है। क्योंकि स्वास्थ्य आपका है, कोई अपनी निजी स्वास्थ्य के लिए आपसे बात नहीं कर रहा है, आपका स्वास्थ्य, आपके घर वालों को परेशानी, और उसके आगे जो समाज में संक्रमण पहुंचेगा, देश में संक्रमण पहुंचेगा, वो तो अपनी जगह पर। लेकिन ये लोग देखिए कितनी बड़ी तादाद में निकल गए हैं अपने घरों से। जरूरत यही है कि आप सब इस समय संयम, अनुशासन, धैर्य का परिचय दें। भारत में अगले 21 दिनों के लिए लॉकडाउन जरूर किया गया है, लेकिन जानकारी पर लॉकडाउन नहीं है। आज तक पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी जानकारी आपको इस दौरान देता रहेगा।